आज के इस ऐतिहासिक मीडिया मीट में आप सभी का स्वागत, आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। व्यासपीठावर मुंबईतील इंडिया अलायन्स बैठकीचे आयोजक होस्ट शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते देशाचे माननीय शरद पवार जी, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोकराव जी चव्हाण, नानासाहेब पटोले आलेले आहेत, प्रांताध्यक्ष नानासाहेब पटोले, काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नानासाहेब पटोले, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, शेका पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, शेका पक्षाचे प्रमुख जयंतराव पाटील, सुप्रियाताई पवार, सुप्रियाताई सुळे, युवा सेनेचे अध्यक्ष श्री आदित्य ठाकरे आणि इथे उपस्थित सभी पार्टी के सभी मान्यवर नेतागण और पूरे देश भर से जो मीडिया यहां आया है उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता बहुत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया अलायंस मुंबई में मिलने जा रही है और उस बारे में सभी जानकारी जो आपको चाहिए, जो कल से शुरू होने जा रही है, उस बारे में आपसे बातचीत करने के लिए सभी नेतागण उपस्थित हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई का पूरा माहौल इंडियामय हो गया है, पूरे देश में। इंडिया की सिर्फ 3 बैठकें हो रही है, लेकिन ममता दीदी ने आज कहा है, जो ममता दीदी का भी आगमन हो रहा है, कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया, ये इंडिया की सिर्फ 2 बैठकों का कमाल है। लालू यादव जी कल निकले पटना से मुंबई के लिए, तब लालू जी को पूछा गया पत्रकारों से, लालू जी मुंबई में क्यों जा रहे हो? तो लालू जी ने कहा, मोदी जी के नरड़ी पर बैठने जा रहा हूं। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आदित्य जी आप बोल रहे थे, आज फिर एक बार चाइना अंदर घुस गई है, आक्रमण किया है अपने जमीन पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे चाइना पीछे हटेगी, ये इंडिया की ताकत बनते जा रही है। आज उद्धव जी, शरद पवार साहब आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम कल और परसों 31 अगस्त एंड 1 सितंबर के इंडिया मीट की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सभी प्रमुख नेता, सभी प्रमुख दल जो पटना में थे, जो बेंगलोर में थे, वो मुंबई में आ रहे हैं। लालू यादव जी का आगमन हो गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है, ममता बनर्जी का आगमन हो गया है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब,
सोनिया जी, राहुल जी, सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे, अखिलेश जी आएंगे, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, ये सभी मुख्यमंत्री, छह राज्यों के मुख्यमंत्री, यहां स्टालिन साहब, छह राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेता गणाएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक विनती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा मत खींचे, जो काम की बात है वो करिए। और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं।